नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ 3 DIY, वो है क्रिसमस स्पेशल, और ये आप लोगों को बहुत ही कम खर्च में बना के हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए देखते मैंने कैसे बनाया। मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसमें एक स्टार ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ये स्टार कट लिया है और उसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा के ऊपर टिशू पेपर लगा दिया है। आप कोई भी नॉर्मल न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। टिशू पेपर लगाने के बाद मैं एक मिक्सर बना रही हूँ, इसमें पानी और फेविकॉल है। ये एक में 12 नंबर ब्रश का मदद से मैं इसके स्टार के ऊपर पूरा लगा लूँगी। इससे क्या होता है कि मैं जो ग्लिटर पाउडर यूज़ करने वाली हूँ वो अच्छा से लग जाएगा। ये ग्लिटर पाउडर जो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 5 रुपीज़ का ही आता है और ये एक पैकेट या 2 पैकेट से आपका हो जाएगा पूरे स्टार में। अभी मैं धीरे धीरे करके जो पाउडर है ग्लिटर पाउडर वो ऊपर ऊपर से छिड़क दूँगी। देखिए मैं धीरे धीरे करके इसके ऊपर दे रही हूँ। अभी ग्लिटर पाउडर लगाने के बाद उसको थोड़े देर के लिए सूखने दीजिए, नहीं तो पूरा पाउडर गिर जाएगा जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये जो रस्सी है गोल्डन कलर का ट्रे है ये उसके ऊपर लगा दूँगी इसके पीछे। अभी मैं दूसरा ये DIY के लिए एक डिश ले रही हूँ और उसमें मैं स्नोफ्लेक्स का डिज़ाइन बना रही हूँ। और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद मैं ग्लूगन की मदद से उसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर ऐसे करके लगा रही हूँ। फिर उसको सूखने देना है। उसके बाद सूखने के बाद उसको आराम से निकालना है, निकालने के टाइम बहुत ही आराम से निकालना है, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए अभी मैं इसको कैसे निकाल रही हूँ और ये मेरा अभी निकल गया है। देखिए अभी मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर कर दूंगी क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा है ना। बीच में मैं एक व्हाइट स्टोन लगा रही हूँ। तीसरा DIY के लिए मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर, फिर टिशू पेपर और गिफ्ट रैप करने का पेपर और जो कॉटन का धागा नॉर्मल आता है वही ले रही हूँ। देखिए पहले मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर का एक बॉल बनाऊँगी ऐसे करके और इसमें थोड़ा सा पानी लेके ताकि ये बॉल अच्छा से बन जाए। इसको थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे करके दबा दबा के फिर इसको एक बॉल बना लेना है। उसके बाद मैं टिशू पेपर लूँगी और टिशू पेपर को खोल के टिशू पेपर का बीच में मैं ये बॉल उसमें रख दूँगी और उसको अच्छे से रैप कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। इसमें एक बार ध्यान रखिए कि ज़्यादा पानी मत लीजिए, नहीं तो पूरा ज़्यादा गीला गीला हो जाएगा। अभी ये मेरा 2 बॉल रेडी हो गया है। उसके ऊपर मैं अभी ये गिफ्ट रैप करने का पेपर लगाऊँगी। इसको देखिए बीच में रख के ऐसे रैप कर लूँगी और जो नॉर्मल धागा है उसी से बांध लूँगी। जो गांठ है उसको अच्छे से लगाइए जोर से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है वो मैं अभी काट दूँगी। ठीक है, ये मेरा एक बॉल बन गया। अभी मैं दूसरा बॉल भी इसे बना रही हूँ, उसके ऊपर गिफ्ट पेपर रैप कर रही हूँ। आपको अगर कलर वाला पार्ट बाहर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। रैप करने के टाइम उसको अच्छा से रैप कीजिए जोर से और धागा बांधने के टाइम भी
उसका गांठ अच्छा से लगाइए, नहीं तो ये लूज़ होने से उसका जो बॉल अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने एक लकड़ी ले लिया है और उसमें तीन रस्सी बांध लिया है, और ये तीनों रस्सी जो आप देख रहे हो वो अलग अलग लंबाई का है। पहला वाला थोड़ा छोटा है, फिर नेक्स्ट थोड़ा लंबा, और तीसरा वाला उससे थोड़ा ज़्यादा। अभी देखिए मैं ग्लूगन की मदद से ये जो तीन बॉल बनाया था उसको मैं अच्छे से लगा दूँगी उसके ऊपर ऐसे। दो पत्ता ड्रॉ कर रही हूँ एक पेपर में, डिस्पोजल पेपर, फिर उसको काट के ऊपर लगा दूँगी। देखिए मेरा स्टार और ये सिल्वर बॉल्स का फाइनल लुक, बताइए कैसा लग रहा है ना? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये है आपका स्नोफ्लेक्स, इसको मैंने लगा के रखा है मेरा जो क्रिसमस ट्री है उसके ऊपर। और अगर मैं आपने मेरा ये पहला वाला वीडियो नहीं देखा है लाइट का, वो भी आप देख सकते हो, लाइट को मैंने डेकोरेट कैसे किया है वो भी आप जाके देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।